जैन साथियों, तो अभी आप देखेंगे कि होम वर्कआउट, सारी लड़कियों को हॉस्टल में होम वर्कआउट दिया गया है और बताया गया है कि ये वर्कआउट कौन कौन सी आपकी वर्कआउट करना है। तो अभी आपको चलेंगे और देखेंगे कि कौन लड़कियां क्या कर रही है। आपको पांच वर्कआउट मैं बता रहा हूं, आपको भी, आप भी जो भी आप सफलता पाना चाहते हैं लाइफ में, थोड़ा सा लीक से हट के चलिए। लोग लेबर कर रहे हैं, आप हार्ड लेबर करो, वो चाहे पढ़ाई का मैदान हो, चाहे फिजिकल का मैदान हो, चाहे बिजनेस का मैदान हो, कोई भी सेक्टर हो, आपको लीक से थोड़ा सा हटके चलना होगा। क्योंकि तो तीन लोग, शेर, साय और सपूत, किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। आप सोच लीजिए कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। और सारे लोग चल मेहनत तो कर ही रहे हैं, सारे लोग सोच रहे हैं कि मेरा बिहार पुलिस में हो, इंडियन आर्मी में हो, एसएससी जीडी में हो, एयरफोर्स में भी, हर सेक्टर में हर लोग चाहते हैं, लेकिन मेहनत उस हिसाब से, उस मुताबिक नहीं कर पाते हैं कि वो बन पाए। अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते। आप अपनी कमियों को ढूंढिए। कोरोना का कहर ठीक है, धीरे धीरे केसेस कम हुई, ग्राउंड पार्क बंद है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्कआउट हैं जो अपने रूम में, अपने बेड पे, अपने बिस्तर पर कभी भी करेंगे, आपकी स्टेमिना को बढ़ाएगा, आपकी टाइमिंग को घटाएगा। देखते हैं जितना होता है उतना ही दौड़, पैर पकड़िए, चलिए स्टार्ट। गुड गुड, 50 का सेट है। साइकिलिंग है, चल बेटा लंबा चलाना, लंबा था, खुला चलो आगे की और चलो, पूरा इसे फोल्ड होना चाहिए, चल बेटा चलो। नेक्स्ट रिवर्स, इसी को रिवर्स, रिवर्स गुड। अच्छा ये तीसरा स्टेप है और आप देख रहे हैं सारी लड़की अपने अपने रूमों में वर्कआउट ये कर रही होगी। गुड, और चौथा स्टेप आप देख रहे हैं, क्या बात है, गजब। होल्ड नहीं करो घुटना, गुड। और पांचवा वर्कआउट आप देख रहे हैं, गुड गुड। तो साथियों चलिए देखते हैं कौन लड़कियां क्या कर रही है, कौन जाके बेड में एकदम आराम से पड़ी है, सोई है, कि कुछ वर्कआउट कर रही है। सभी को वर्क दिया गया है, तो देखते हैं। तुम्हारे क्या ड्यूटी है, गाइड करना, गाइड कर रहे हो, सब कर रहे कि नहीं भी? चलो चेक करो, बोले नहीं सोमिया का अच्छा हो रहा है। कौन सा है ये? सारे कोरोना का फील है। बड़ा ओए उठो, क्या हुआ? वैक्सीन लिया। वैक्सीन लियो, ठीक है दोस्तों। कहाँ से हो? यूपी में। कहाँ से? और इन बहन का इतना अच्छा रनिंग है कि मैं क्या बोलूँ, और कराटे प्लेयर भी रह चुकी है और कोच के तौर पे भी काम करती है यूपी में, तो बहुत सारे बच्चों को गाइड करती है, तो हमें खुशी होता है। और फिर डिफेंस में जाना है, ये भी एक शौक है। सबसे पहले गर्ल्स के लिए सेल्फ, कुछ भी सेल्फ बहुत ज़रूरी होता है, आत्मरक्षा, अपनी रक्षा खुद की करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम बहुत खुश रहते हैं इन पे,
तो चलिए अभी कौन सा आपको वर्कआउट दिया गया? अपोजिट सोबर। उसके बाद का कौन सा वर्कआउट है? उसके बाद लेग को ऐसे क्रॉसिंग कर, क्रॉसिंग हाँ लगाइए तो जी। चलिए साइकिलिंग करिए तो एक बार अच्छे से, रिवर्स नहीं आगे चलाइए तो, लंबा चलाइए तो, पैर फोल्ड, गुड वंस। क्या बात है, तनु कुमार तुम्हारा, रिंकू कुमार जो वर्कआउट दिया गया हो रहा है उसका पूरा करना है। चलो ठीक है, कितना करना है ये? कितना? 200। आवाज नहीं है, 200। खाना खा के तुम 200। चलो मारो फिर, कौन कौन एक्सरसाइज बताएगा पहले वो करो बताओ। पहला एक्सरसाइज में क्या की थी? पैर फोल्ड था ना, पैर फोल्ड करो, पैर फोल्ड स्टार्ट, गुड। दूसरा में क्या था? चलो आप साइकिलिंग। तीसरा रिवर्स करो, रिवर्स। हाँ तीसरा, हाँ तीसरा, हाँ तीसरा स्टेप। तीसरा क्या था? हाँ पैर लगाई, लगाई लगाई पैर, पैर लगाई, पैर लगाई ना। चौथा, और एक स्टेप सीधा स्टार्ट, हाथ नहीं चलाइए, सोचिए पूरा पीछे स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात है, बालकनी में कर रहे हो होमवर्क, गुड। इससे क्या फायदा होगा? चेस्ट दर्द भी करेगा, पेट दर्द भी करेगा, और मजबूत होगा, चर्बी भी आपकी खत्म होगी। ओके ओके, बाबा 20 मिनट से ये क्या बात है, बहुत अच्छा। यस सर। ओ उसमें कितना स्टेप था? उसमें 5 स्टेप। इसमें कितना 5 स्टेप है? इसमें भी 5 है। 5 है? यस सर। जो देख रहे थे इन शेरनियों का जुनून, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। उस 1 किलोमीटर को भी दिखाना है और उन लोगों को भी दिखाना है जो हमसे कहते थे, हम पे कहते हैं, पीछे से टोन कसते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उनको भी दिखाना है, और उस गर्दनी बैकग्राउंड को भी, उस बिहार पुलिस की वर्दी को भी लेके दिखाना है। इसी सपने के साथ सारी शेरनियां दिन रात एक करती है, और कभी भी किसी टाइम एकेडमी में अभी ये स्थिति है कि रात में 11:30 बजे कभी भी 1 बजे दिन में वर्कआउट करके आइएगा, कभी भी 11 बजे 3 बजे 4 बजे 7 बजे हर टाइम 3-4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ वर्कआउट है, और वो लोग ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ एक ही जुनून है, एक ही सपना है वर्दी। और हमने आपसे बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि आपने जो भी मेरे प्रति आप लोग का एक समर्पण है कि हमको गुरुजी टीम में जाना है, यही इतना काफी है कि आप मेरे पास आए हैं, बस आपका साथ चाहिए, मैं आपको वर्दी दूंगा, आपका जो प्यार है आप वो अपना प्यार दें, मैं आपको वर्दी दूंगा। और आपने तो बहुमूल्य समय हमको दे दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो आपने बहुमूल्य समय ही दिया अपने जीवन का। Yes. तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना जो भी बहुमूल्य समय दिए हैं वो आपने दे दिया, इसके बदले में मैं आपको वर्दी दूंगा। और आप अपने मम्मी पापा का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, और जो लड़के लड़के आपसे इसमें बड़े हो, जो भी लड़कियां इसमें सीनियर हो, आप उसका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, मैं आपको वर्दी दूंगा। अपनी थोड़ी सी अकड़न को धीमा करें, मैं आपको वर्दी दूंगा। सबसे प्यार से रहिए, सबसे प्यार से मिलिए, सबसे प्यार से बात करिए, मैं आपको वर्दी दूंगा। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोग वर्कआउट किए हो? यस सर।
सर। ईमानदारी पूर्वक यस सर। मम्मी कसम यस सर। पापा कसम यस सर। गुरुजी टीम के कसम यस सर। है ना यस सर। ये ईमानदारी पूर्वक यस सर। चलिए ये होता है जुनून, ये है जोश, ये है जज्बा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए। आप लोगों को बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी का वो आलम है कि कहा नहीं जा सकता है। तो बस वर्दी पाने के लिए जुनून जगह है इन शेरनियों में, हमको लेना है लेना है। अभी भी डेट आया नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कब क्या होगा। बिहार सरकार के बारे में बोलना बहुत बड़ी गलती होगी, बोला नहीं जा सकता है कि कब किसका फिजिकल होगा, कब किसका नोटिस आएगा कि कैंसिल हो जाएगा। इसलिए एक मौका मिला है, लक लेबर चांस, सफलता पाने के लिए तीनों जरूरी है, और खासकर नौकरी में। तो आपका लक था, आपका चांस था कि आपका रिजल्ट हुआ। लक किस्मत जरूरी नहीं कि आपका कितना सही है, आपका रिजल्ट नहीं हुआ सब बेकार है। आपका लक था, आपका चांस भी मिला कि आप हमारी संस्था में आए, और दूसरा ये चांस मिला कि आपके गार्जियन ऐसे मिले कि आपको सपोर्ट किए आगे बढ़ाए और आपका रिजल्ट हुआ। और तीसरा चीज आता है लेबर, मेहनत। तो हम कहते हैं थोड़ी सी इसमें एक वर्ड को आगे और जोड़ दीजिए, लेबर नहीं, लेबर हर इंसान करता है, आप थोड़ी सी हार्ड लेबर करो, आप औरों से आगे होंगे। और हमेशा यही बात बोलता हूं कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो आप बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।